बॉलीवुड में एक्टर्स और विवादों का सिलसिला काफी पुराने समय से चलता आ रहा है। राज कपूर हो या फिर धर्मेंद्र, सबका एक्टिंग करियर विवादों से होकर ही गुजरा। इसमें कई एक्टर्स किसी एक्ट्रेस के प्यार में एक दूसरे से भिड़ गए तो कईयों की तकरार अपने फिल्म के निर्देशक से ही हो गई। ऐसा ही एक विवाद सिने जगत में काफी सुर्खियों में रहा था और वो था गोविंदा और निर्देशक नीरज वोरा के बीच का विवाद। बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानी गोविंदा एक ऐसे अभिनेता हैं जो जब भी स्क्रीन पर नजर आए दर्शकों का भरपूर उन्होंने मनोरंजन किया। अभिनेता से जुड़ी हंसी मजाक वाले किस्से आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब शूटिंग के दौरान गोविंदा ने अपना आपा खो दिया था। इस दौरान गोविंदा को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने फिल्म रन भोला रन की शूटिंग के दौरान अपने निर्देशक नीरज वोरा को ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल ये घटना फिल्म रन भोला रन की शूटिंग के दौरान का है, जब एक सीन के लिए गोविंदा को अपने को स्टार आर्यन वैद के साथ एक हाई वोल्टेज ड्रामा करना था। आर्यन वैद इस फिल्म में विलन के किरदार में थे और इस सीन में उन्हें गोविंदा की पिटाई करनी थी। सीन के दौरान आर्यन ने गोविंदा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे में अभिनेता ने आओ देखा ना ताओ और निर्देशक नीरज वोरा को सबके सामने जोरदार तमाचा मार दिया। उस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि गोविंदा के अनुसार फिल्म में इस सीन को उनकी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर रखा गया था, जिस वजह से गोविंदा आग बबूला हो गए थे। दरअसल इस मामले ने उन दिनों मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन जब गोविंदा से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वहीं नीरज वोरा ने भी मामले को तूल न देते हुए इन खबरों का खंडन किया। उनका कहना था कि मैं खुद भी एक अभिनेता हूं और ऐसे में मैं सीन को शूट होने से पहले करके देखता हूं। मुझे लगता है ये हाई वोल्टेज ड्रामा था और ऐसे में सेट पर मौजूद लोगों को लगा होगा कि सच में थप्पड़ मारा गया है, लेकिन असल मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।